कानून की मांग की थी और इसके अलावा फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ कानून की मांग की थी और अन्य कई मांगे की थी। लेकिन जिस वर्ग को यह समर्पित था, युवाओं को समर्पित बजट था, उसका उसके अनदेखी के लिए हर वर्ग को मुख्यमंत्री जी ने कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। राजस्थान का युवा अवसाद में है, आक्रोशित है और कल जैसे ही मैंने बजट देखा तो मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं अंधकार त्याग कर रहा हूं जब तक मुख्यमंत्री जी बयान नहीं दे देते कि हम लोग सरकारी भर्तियां करेंगे, पेपर लीक को लेकर ठोस कदम उठाएंगे। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, कभी भी किसी भी समय आप डॉक्टर से मेरा चेकअप करवा लेना। बजट के बाद मैंने अन्न त्याग दिया है और जब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, जब तक मुख्यमंत्री जी और सरकार की तरफ से बयान नहीं आ जाए कि हम लोग युवाओं को समर्पित बजट युवाओं को समर्पित कर रहे और सरकारी भर्तियों की निकालने की घोषणा कर रहे। और 15 फरवरी को हम शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री जी तक बात पूछाने के लिए गुहार करने के लिए कि 16 फरवरी को आप रिप्लाई पेश करने जा रहे हैं, तमाम विभागों में रिक्त पदों पर घोषणा की जाए। लाखों युवा बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं क्योंकि 60% युवाओं की संख्या है और जो चुनावों में अहम भूमिका युवाओं की होती है। उम्मीद करता हूं राज्य सरकार इस गलती में सुधार करके ज्यादा से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा करेंगे, पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए ठोस कदम उठाएंगे, प्रदेश के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाएगी, युवा बेरोजगारों की मांगों को पूरा किया जाएगा। तो दो ऐलान हमने किया है, जब तक मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा जब तक मुख्यमंत्री जी और राज्य सरकार की तरफ से घोषणा न हो जाए और जब तक युवाओं को राहत नहीं मिल जाए, हम 15 फरवरी को शहीद स्मारक पर बड़ा आंदोलन करेंगे। उपेन्द्र यादव, राजस्थान रोजगार एकीकृत महासंघ।